हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल रोल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप पेपल का अकाउंट किस प्रकार बना सकते हैं। फुल प्रोसेस बताने वाला हूं 2023 में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, पेपल का ऑफिशियल ये लिंक है, इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। आपको जैसे कि आपको इंडिविजुअल यहाँ पे अकाउंट बनाना है, जैसे कि आपको किसी पेमेंट को भेजने के लिए खाली बनाना है अकाउंट, तो यहाँ इंडिविजुअल पर क्लिक करना है। और अगर आप यहाँ पे लेन देन के लिए पेमेंट यूज़ करने वाले हैं पेपल में, ठीक है, इंटरनेशनल पेमेंट लेन देन के लिए, तो आप यहाँ पे बिजनेस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल के सबमिट करना है। आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। पासवर्ड में एक बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक पासवर्ड दे रहा हूँ, xyz@1234, ऐसा पासवर्ड आपको बनाना है। फर्स्ट कैपिटल रखना है आपको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको यहाँ पे डिस्क्राइब योर बिजनेस सिलेक्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी अपना बिजनेस एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे इंडिविजुअल पर सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है आपका, तो प्रोडक्ट में आपको डालना चाहते हो तो यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पे मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अभी एग्जाम्पल के लिए डाल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपका डालना है, पर्सनल पैन कार्ड नंबर, और पेपर सीसी स्टेटमेंट नेम यहाँ पे डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बिजनेस ओनर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको डालना है, अपना खुद का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल देना है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लीगल जो लास्ट नेम है, उसके बाद इंडिया से है या बाहर से है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ और अपना पिन कोड और पूरा एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि एड्रेस 123 और टाउन सिटी एंड स्टेट, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। उसके बाद आई एग्री करके कंटिन्यू कर देना है, तो आपका पेपल अकाउंट बहुत ही आसान तरीके से हो जाएगा। और प्राइमरी यहाँ पे डॉलर रखना चाहते हो तो डॉलर रख सकते हो, या यहाँ पे अभी रुपीस में भी आप रख सकते हो, बट रुपीस का भी यहाँ पे कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं हुआ है, इसलिए अभी डॉलर में रखेंगे तो आपका पेमेंट आपको आएगा रुपीस में ही कन्वर्ट होके आएगा, ठीक है। तो ये आई एग्री करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो जाएगी, फर्स्ट व्हाट डू यू सेल, यहाँ पे क्या चीज़ आप सेल करना चाहते हो, तो यहाँ पे सर्विस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और नेक्स्ट पर यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हाउ वुड यू लाइक टू सेल, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिंक क्रिएट और नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद सेटअप पर यहाँ पे आपको सेटअप में जाना है, सेटअप पर क्लिक करके आपको अपनी बैंक डिटेल सारी यहाँ पे सेटअप कर देनी है, ताकि कोई भी आपको पेमेंट भेजे तो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाए, ठीक है। ये आपका अकाउंट कम्प्लीटली ओपन हो चुका है यहाँ पे। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे थ्री लाइन पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट सेटिंग पर जाना है आपको। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल डालने का एक ऑप्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, पेमेंट प्रिपेयर। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे मनी बैंक एंड कार्ड, यहाँ पे क्लिक करना है उसको। उसको यहाँ पे आपको करना क्या है, इस तरह का यहाँ पे एक बार आपको सेटअप कर लेना है। जैसे कि आपको अपनी बैंक है यहाँ पे आपको लिंक कर देना है, लिंक ए बैंक पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी, जैसे कि उसका NEFT IFC कोड डालना है, आपका अकाउंट नंबर डालना है, और उसी खाते में आपका लिंक योर बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको वेरीफाई के लिए 2 से 4 दिन में यहाँ पे एक पेमेंट आएगा, उस पेमेंट को कंफर्म एक बार करना पड़ेगा। कंफर्म होने के बाद आपका ये कंप्लीट एक्टिवेट हो जाएगा, अगर आप कंफर्म नहीं करोगे तो भी ये एक्टिवेट हो ही जाएगा, पेमेंट उसी खाते में आएगा जो यहाँ पे आप बैंक डिटेल डालेंगे। पेपल का ज़्यादातर यूज़ यहाँ पे हो रहा है, उसका कारण एक ही है कि इंटरनेशनल पेमेंट की लेन देन करने के लिए यहाँ पे पेमेंट का यूज़ किया जा रहा है सबसे ज़्यादा। तो पेपल एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप फ्री में लेन देन पेमेंट लेन देन कर सकते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट भी लेन देन आप कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करूंगा ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।